तो बेसिकली इस क्लिप में हम चार गधों ने मिलके हम लड़ाई कर रहे थे जैसे लड़के आपस में करते हैं, और हमसे हुआ ये कि हॉस्टल में वो जो सीलिंग होती है अपने रूम की छत पे वो हमसे टूट गई, और वो टूटी तो उसके ऊपर जो भी बरसात पानी सब था वो हमारे रूम में आ गया। हमने कोशिश की कि हम खुद ही जुगाड़ तुगाड़ करके कुछ ना कुछ कर लें, भाई साइंस ऐसे ही थोड़ी पढ़ रहे हैं, कहीं तो हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फिजिक्स सारी चीजें काम आए। हमने खूब प्रयास किया, हमें क्या रिजल्ट मिला नहीं। वो बात है ना कि पेपर तो अच्छे ही जाते हैं पर रिजल्ट ही अच्छा नहीं आता, तो बस यहाँ पे भी वही हुआ। कोशिश तो हमने बहुत की पर वो अच्छा था हमसे चिपकी नहीं। उसका एंड रिजल्ट ये हुआ, ये जो हमारी फनी मस्ती मजाक में गलती थी इसके चक्कर में ये गलती हमें बहुत महंगी पड़ी। ये गलती हमें पड़ी 35,000 की, 35,000 इसका फाइन आया था, और बड़ा खतरनाक सा दिन था वो। जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में तो गैरों से कहलवा दिया होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा मेरा कि आज मेरे कामयाबी की जिम्मेदार हो तुम। भाई तेरा बहुत हार्ड है, किसी का नहीं मोहताज है, फैला कर रोना जैसे इनकी आई मौत आ जाए। मांगी ना भीख मजबूती वाला काम काज है, एक्स का भी मैसेज आया देखना मेरी पहुंच आ जाए, लाता दिल ये थोड़ा अब छोड़ा पीछे। तो इंसान गलतियों का पुतला होता है, ये बात तो ठीक है, जायज है, इंसान के रूप में जन्म लिया है तो गलतियां भी करेंगे, दिमाग दिया है तो ये शैतानी दिमाग चलता भी है, फिरता भी है, इधर उधर उड़ता भी है, इसका मन मचलता रहता है। दिमाग का भी अपना एक मन होता है, वो मचल जाता है ना तो गड़बड़ें बहुत ज्यादा हो जाती है। एक समझदार इंसान वो है जो दूसरे की गलतियों से सीख ले, और कॉलेज में आके ये गलतियां मैंने बहुत करते हुए देखा है, खुद भी की है। आप अगर इससे एक आधी चीज भी सीख लोगे तो भैया मेरा बड़ा भला हो जाएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि चलो किसी के तो काम आए। ये गलतियां सुनने में बहुत छोटी लगेंगी लेकिन ये हकीकत में बड़ी भारी पड़ती हैं, और ये बड़ी महंगी पड़ती हैं। 35,000 की पड़ती हैं, कभी कभी और महंगी पड़ जाती है, तो ध्यान से सुन लेना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, कॉलेज जाओगे पिज्जा छीन के खा जाऊंगा, तुमसे पूछूंगा भी नहीं, तो सब्सक्राइब कर दो। गलती नंबर एक, पहली गलती ये है कि we have fucking time for 8 hours, 10 hours to watch Netflix, but we don't have 2 hours to learn a new skill or to learn a new language, a coding language, whatever you love, you won't do that, cause it takes a lot of effort, और वो चीज़ आपको आपके comfort zone से बाहर धकेलेगी, तो आप वो नहीं करोगे, आप अपने बिस्तर पे Netflix बैठ के देखोगे। बुरा मत मानना लेकिन बहुत लोग ये करते हैं, सीरीज देखो जो देखना है देखो, लेकिन आप उससे सीख क्या रहे हो? अगर सीख नहीं रहे तो वो वेस्ट है कम्प्लीटली, आपको कोई मतलब नहीं है। गेम ऑफ थ्रोन्स में ड्रैगन ने उड़ के किसको मारा किसको नहीं मारा, एक बार की टाइम पास हो गया, उसके बाद क्या, थोड़ी बन गए क्रिस्टोफर नोलन या जो भी डायरेक्टर कह लो जो भी है, इन द एंड तो आपका टाइम वेस्ट है ना। वो प्रोडक्टिव क्या किया आपने? मैं अगर कोई सीरीज देख रहा हूं या मैं अगर कोई वीडियो देख रहा हूं तो मेरे काम की इसलिए क्योंकि मैं उससे बैकग्राउंड म्यूजिक ले सकता हूं, मैं उससे काफी चीजें सीख सकता हूं जो मैं अपने वीडियो आइडिया में डाल सकूं या मेरी कोई स्किल मैं बेटर कर सकूं। मैं सिर्फ इंटरनेट का यूज इसलिए करता हूं, अगर मैं नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखता हूँ, मैं बहुत देखता हूँ, मैं देखता हूँ तो मैं उसमें से कुछ कुछ चीजें निकालता हूँ, पॉइंट्स निकालता हूँ कि इसको मैं वीडियो में ऐड कर दूं या कैसे क्या नया कर सकता हूँ इसमें, मैं उस रीजन से देखता हूँ। चीज में अपने काम को इन्वॉल्व करना कोशिश किया करो, एंटरटेनमेंट में भी अपना काम हो जाए, आर्टिकल्स लिखो, तुम्हारे क्या विचार हैं, तुम क्या सोचते हो, उसको डालो कहीं, मतलब कुछ प्रोडक्टिव होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि 2 घंटे टाइम पास करना है, सीरीज देखी, एपिसोड देख, छोड़ देखे और खत्म ना। तो तुम में एक बंदर में फर्क क्या है अगर तुम इवॉल्व ही नहीं हो रहे उसके साथ, या जो कंटेंट डायरेक्टर ने बनाया है तुमने एनालाइज ही नहीं किया। मेरी जिंदगी में मैंने फिल्मों से बहुत सीखा है, नहीं बॉलीवुड की कचरा फिल्मों से नहीं, डंकी। इंट्रोवर्ट होते हैं ना, उनके पास सीखने के लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, उनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा नहीं होता, तो उनके पास या तो किताबों से सीख लो, फिल्मों से सीख लो, लेकिन सीखो। ये मत करो कि भाई सिर्फ एक वो टाइम पास की चीज है, 8-10 घंटे तुमने बर्बाद कर दिए और बस हो गया, अगले दिन सो गए, फिर और 10 एपिसोड देख लिए। ये गलती मत करना, ठीक है? ये बहुत करते हैं लोग, बहुत देखा है मैंने। पूल बनने के लिए सीरीज देखेंगे, मेरा दोस्त देख रहा है तो मैंने भी नेटफ्लिक्स का ले लिया सब्सक्रिप्शन, अब मैं भी देखूंगा, फिर हम दोनों डिस्कस करेंगे, फिर हम है ना ऐसे शो ऑफ करेंगे और हम बड़े कूल लगेंगे। तुम कूल नहीं लगोगे, गधे लगोगे एक नंबर के फ्यूचर में 4 साल बाद, अगर कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो उससे तो ये बात तुम्हें बहुत लगेगी क्योंकि काफी लोग देखते हैं, मैं खुद भी देखता था, लेकिन भाई जो सच्ची बात है वो है, बुरी लगे भाई मैं कोई फेक पॉजिटिविटी तो दूंगा नहीं, क्योंकि देखो मुझे पसंद नहीं है फेक पॉजिटिविटी देना या किसी भी फालतू की बात में यकीन करना कि भाई हाँ ये हो जाता है वो हो जाता है। एक नेटफ्लिक्स की सीरीज तुम कोई सी भी कितनी अच्छी से अच्छी देख लो, मैंने बहुत देखी है, नेटफ्लिक्स ही नहीं और भी दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या देखा है। अगर आप सिर्फ टाइम पास के पर्पज से देख रहे हो
तो भैया कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको अपना करियर भी बनाना है, ठीक है, उसके बाद टाइम पास का जिंदगी भर मौका है, इनसे मालदीव्स में बैठ के करना रिजॉर्ट में कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि बाकी पिताजी अंबानी हो तो अलग बात है भाई, हमारे तो है नहीं, हम तो प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे भाई हर जगह। तो गलती नंबर दो ये है कि जब बच्चा आता है ना तो माहौल ऐसा हो जाता है, माहौल में ऐसा मशगूल हो जाता है वो कि बाकी सारी चीजें भूल जाता है कि भाई मेरे को अटेंडेंस भी मेंटेन करनी है, असाइनमेंट्स भी टाइम पे देने हैं। तो क्या है, अपने कॉलेज का है ना थोड़ा कैंपस एकदम जर्मनी इटली वाली वाइब्स देता है, जो कैंपस है थोड़ा बड़ा सा सुंदर सा, तो बच्चे ना बहक से जाते हैं, वाह कहां ही आ गए हैं, जन्नत नसीब हो गई है हमें, जन्नत नसीब हो गई है, तो जन्नत में बने रहने के लिए मेहनत तो करो। आदमी क्या डीफोकस्ड हो जाता है, फोकस और विजन अपना खो देता है कि मैं आया किस पर्पज से था, वो ये जाते हैं भाई साहब कि मेरे 15-20 लाख रुपए लगे हुए हैं, मेरे को कुछ करना है, वो करना तो है लेकिन वो उल्टी सीधी चीजें करने लग जाते हैं, वो फिर पढ़ाई लिखाई से करना तो बहुत दूर हो जाता है, एक अलग रास्ता पकड़ लिया जाता है कि हाँ अब क्लास बंक होगी, अब मैं यहाँ घूमूंगा, अब मैं इधर फंस गया, इधर नेतागिरी करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पढ़ाई छोड़ के सब करूंगा। तो कैंपस अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई ना करें बाकी सारी चीजें करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं मेरी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के मेरी लगी हुई है 5 बैग 10 बैग वीडियोस में ज्ञान बांट रहा हूँ, मेरे को कौन सीरियसली लेगा, नहीं लेगा ना, मेरे को अच्छा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं कैसा इन्फ्लुएंसर हूँ कि मैं खुद ज्ञान दे रहा हूँ कि भाई पढ़ो पढ़ो, मेरी खुद की लगी हुई है 5-10 बैग, यहाँ पे आके मैं ज्ञान बांट रहा हूँ ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो ऐसा काम नहीं चलता। आपको है ना जिस काम के लिए आए हो फोकस्ड रहो पहले दिन से, मजे वजे अपनी जगह, बहुत टाइम होता है मजे के लिए, सब कर लेते हैं मजे, तो यार मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हो तो देखो मेरी स्टोरी, मजे मैंने बहुत किए अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा, तुम क्या 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 बोलो, तुम क्या चीज में मजे चाहिए, सारे मजे किए मैंने, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी की है, मेन पहला रीजन था वो नहीं छोड़ा, मैं ना भी पढ़ता तो भी मेरे कोई दिक्कत नहीं थी कभी, मैं आराम से बैठ के खा सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, क्यों पढ़ता हूँ, मेरे को कोई नौकरी तो नहीं करनी है फिर भी मैं क्यों पढ़ता हूँ, कि वो जरूरी है, ठीक है वो जरूरी चीज है, उसे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, एक छपरी में और एक इंटेलिजेंट पर्सन में हमेशा फर्क रहता है, फिर चाहे वो यूट्यूब के ब्रांड्स हो या फिर आपके कॉलेज के बच्चे हो, टीचर हो, कुछ भी हो, आप हमेशा एक लेवल अबव रहोगे अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो, इसको डिनाई नहीं कर सकते, आईआईटी वाला ही होता है और एक प्राइवेट कॉलेज वाला ही होता है, मैं कितना भी उड़ लूं मैं उस आईआईटी वाले के लेवल का नहीं हूं, मैंने मेहनत की है और मैं डिनाइल में नहीं जीता हूं, ठीक है, जहां हूं मैं वहां अपनी बेस्ट मेहनत कर सकता हूं, मैं इसको कभी नहीं भूलता कि मैं उनको टक्कर देने लायक हो जाऊं या उनके कॉलेज में जो वीडियो बना रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो वहां तक पहुंच जाऊं, पहुंचू ना पहुंचू वो एक अलग बात है, लेकिन मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं मेहनत नहीं छोड़ता। आपको भी यही ध्यान रखना है कि भाई मेहनत नहीं छोड़नी, मौका मिलने तक सब मेहनत करते हैं, मौका मिलने के बाद कौन कितनी मेहनत करता है सबसे ज्यादा वो मैटर करता है। गलती अटेंडेंस रिलेटेड अगेन भाई, 75% अटेंडेंस, इसको बहुत सीरियसली लेना, ये बैक लगने से भी ज्यादा खतरनाक है, एक बार की तुम्हारी बैक लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, अटेंडेंस कम हो गई ना तो भैया तुम गए, ठीक है तुम ये मान लेना तुम खत्म हो फिर, तो 75% अटेंडेंस मैं बता रहा हूँ सुन लो ध्यान से, मेंटेन कर लेना, ठीक है, इसमें कोई लापरवाही मत करना, क्योंकि पेपर ही नहीं देने देंगे तो पास फेल तो दूर की बात, बहुत सीरियस मैटर है, बहुत लोग छोड़ देते हैं रूम पे पड़े रहते हैं हॉस्टल में कि भाई हाँ ठीक है पढ़े हैं चले जाएंगे, क्लास उठा नहीं जा रहा, रात भर जग रहे हैं, रात भर तो खैर सभी जगते हैं, मैं खुद भी जगता था, लेकिन हाँ सुबह उठ जाना, आलसपने में कुछ नहीं रखा, आलसी मत बनना। अच्छा आज के वीडियो के स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं, जब मैंने इतना स्किल्स के बारे में आगे बयान कर ही दिया है, तो आज का स्पॉन्सर है भाई LingApp। LingApp पे बेसिकली आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, आगे किसी को मास्टर्स करना हो, कोई जॉब करनी हो, कुछ भी करना हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, LingApp आप डाउनलोड कर लो, जो लैंग्वेज आपको पसंद है भैया सीख लो, आज जहाँ तुम्हारी इच्छा करे शादी ब्याह कर लेना, बच्चे कर लेना, मिठाई का डब्बा मेरे घर भेज देना। अगली गलती, ये भी बहुत मेजर गलती है, कि नॉट कैरिंग योर आई कार्ड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली, ये गलती भैया मैंने तो बहुत की है, मतलब मेरे से डिसऑर्गेनाइज्ड आदमी कोई रहा ही नहीं होगा अपने जीवन में, थोड़ा वो पर्स वर्स कैरी करना पसंद नहीं है मेरे, हमेशा जेब में ही होता है, जो कभी वो मेरी जीन्स में धुल जाता था, कभी कुछ हो जाता था, ऐसे करते करते मेरे काफी कार्ड वगैरह डिस्ट्रॉय हुए और मैं केयरलेस बहुत था, और काफी लोग होते हैं कॉलेज लाइफ में, काफी लोगों के साथ ये दिक्कतें आती हैं, कभी कहीं बाहर चले गए घूमने, रेंट पे कोई स्कूटी या बाइक ली या गाड़ी ली, कुछ भी लिया तो अपना भैया
लाइसेंस वाइसेंस ही भूल गए या फिर हॉस्टल आईडी कार्ड भूल गए। अभी बस में ट्रेवल कर रहे हो तो भी कार्ड भूल गए, जिसकी वजह से डिस्काउंट भी मिल जाता है स्टूडेंट्स को। अपने भाई डॉक्यूमेंट्स पूरी मॉनिटरिंग के साथ प्रॉपरली रखना, अगर आप एक मैनेज्ड बच्चे हो, ऑर्गेनाइज्ड बच्चे हो तो बहुत ही बढ़िया, मतलब दिल से भाई सलाम है आपको। क्योंकि अगर मैनेज करने की मेरी बात थी तो मैं तो ऐसा था, पत्ती बनाता हूँ तो तलवार बन जाती है, तो मैं तो ये कार्ड वार्ड तो क्या ही मैनेज करता। लेकिन हाँ, मैंने सीखा, इसको सही किया। और अगर आप भी ईमानदारी से अपने आप से पूछना, अगर आप भी ये गलती करते हो तो आप भी सुधारो, सही करो। ठीक है भाई लोग, ये 3-4 बातें अपने को करनी थी, थोड़ी जरूरी लग रही थी मेरे को काफी टाइम से। अब आप आने ही वाले हो थोड़े टाइम में, तो मैंने सोचा बता देते हैं। अगर भला वाला हो जाए तो बहुत बढ़िया यार, अपने को भी दुआएं मिलेंगी। तो ठीक है भाई, बाय और पीस आउट। इस वीडियो के लिए इतना ही। जो चैनल पे पहली बार आया है भाई, हम यहाँ पे व्लॉग्स बनाते हैं और कॉलेज लाइफ हॉस्टल लाइफ की बातें करते हैं। आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दो। पीस आउट।